तो सबसे पहले फॉर्मूलाज हैं एनर्जीज के ऊपर। एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला ये याद है सबको, डेंसिटी क्या है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ये भी क्लियर है। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला पता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या लेंगे, 3/2 kT, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यहां पर के यूज करेंगे, बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट। और अगर यही क्वेश्चन आएगा पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, के की जगह आर, टी की जगह टी। तो बस आप ये फॉर्मूले को एनसर्कल कर लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल 3/2 kT। ये रिजल्ट वहीं से आए हैं जो ऊपर से हम वो हेर फेर कर रहे थे, इधर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल 3/2 kT, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ अ गैस 3/2 RT, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना और। तो ये स्टेप क्लियर है सबको। नेक्स्ट है, इसके अंदर और कुछ नहीं करना, पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, अंडरलाइन करो 1 मोल है कि मॉलिक्यूल, मोल, तो मोल में क्या लगेगा फॉर्मूला, 3/2 RT। टेम्परेचर 127 है, तो ये बहुत लंबा किया हुआ है। आर की वैल्यू आप सबको आती है 8.31, टेम्परेचर आपको गिवन है, बस इसी फॉर्मूले को लगाओ आंसर, डन, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो इसको सर्कल कर दो, 3/2 RT, यूज फॉर्मूला 3/2 RT आंसर। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, इतना लंबा करना ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बी सफिशियंट, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, अंडरलाइन करो मोल है कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल का एस्केप करवाना है, एस्केप करवाना है, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या यूज करेंगे पर मॉलिक्यूल की, 3/2 kT। एस्केप करवाने के लिए वेलोसिटी क्या देनी पड़ेगी, एस्केप, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ½ mv². तो आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर m पता है, ve पता है, kb पता है, आंसर, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट याद करना पड़ेगा, सिंपल है। बस यही देखना होता है इसमें, पूरी शीट में मॉलिक्यूल है या मोल है, बस, बाकी फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड ही है इसमें। इसने क्या लिखा, 1 मोल, मोल में मैंने कहा 3/2 RT, ये वाला, ये तो लंबा कर रहा है ना, तो मैंने कहा आर आपको पता है, टी आपको पता है, यहीं से वैल्यू पुट कर लेना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कह रहा था। ये क्वेश्चन कांस्टेंट 1.3 × 10⁻²³ +1 में तो मुझे पता नहीं, +2 के अंदर फ्रंट शीट पे ये सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, वैसे पहली शीट पे पूरा कॉन्स्टेंट्स यूज जो होते हैं उसके सब वैल्यूज गिवन होते हैं, याद नहीं करनी होती, वो देता है। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन है, वेसल ए कंटेन्स हाइड्रोजन एंड अनदर वेसल बी हुज वॉल्यूम इज ट्वाइस दैट ऑफ ए कंटेन्स सेम टेम्परेचर। तो कह रहे जी एक ए है और एक बी है और वॉल्यूम एक का ट्वाइस है दूसरे से, तो वॉल्यूम की रेशियो गिवन है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर सेम है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालो, मोल है कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला क्या लगेगा 3/2 kT। दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की सेम है, आंसर 1:1। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आरएमएस स्पीड निकाल लो इनकी। अब जो आरएमएस स्पीड होती है ना, टेम्परेचर तो सेम है लेकिन वो कैपिटल एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आरएमएस स्पीड हाइड्रोजन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, पता है आंसर, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड, प्रेशर ऑफ द गैस निकालो ए एंड बी में। देखो प्रेशर ऑफ द गैस जब निकलेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा 1/3 ρV², रो का मतलब मास बाय वॉल्यूम, गिवन कर लो, इसमें गिवन नहीं है, टोटल मास ऑफ द गैसेस आर सेम, ये तो आंसर आएगा नहीं। तो अगर टोटल मास सेम है तो इसको कंपेयर नहीं करना, इसको करना नहीं, रेशियो लेंगे हाइड्रोजन की तो आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिरा, ऐसी रेशियो आएगी। आपको वॉल्यूम का रेशियो तो पता ही है 2:1, आरएमएस का रेशियो 4:1 दे चुका हूं मैं आपको, आंसर आएगा प्रेशर का आंसर आएगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले से आंसर आएगा, ये देख लो, आते हैं ऐसे क्वेश्चन काफी। क्वेश्चन है, टू परफेक्ट गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर मिक्स्ड, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इफ द मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर M1 एंड M2 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस आर N1 एंड N2। देखो जब भी गैसेस को मिक्स करेंगे तो एनर्जी का लॉस, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन में एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है 3/2 kT एक मॉलिक्यूल की, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें N1, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी N1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकेंड गैस की एनर्जी एक मॉलिक्यूल की 3/2 kT, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने N2, तो टोटल गैस की एनर्जी आ गई। जब मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए N1 + N2 3/2 kT, T निकालना है आंसर, तो मिक्सचर का टेम्परेचर एनर्जी कंजर्वेशन से हो गया।